हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। अब एवियन की सीरीज़ में ही कानपुर से अब पेशेंट्स यहां से डिस्चार्ज होने लगे हैं। पुणे कैंप के बाद अब यहां पर कानपुर से भी पेशेंट एक हफ्ते का ट्रीटमेंट लेके अब जा रहे हैं। इसी सीरीज़ में हमारे पास महाराष्ट्र के मुंबई के ही एक पेशेंट हैं जिन मिस्टर सुधीर पलांडे, ये हमारे पास आए थे अपनी एवियन की समस्या को लेके। हालांकि ये काफ़ी समय से हमारी एक्सरसाइज भी फॉलो कर रहे थे जिसमें कि इनको काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट था। सुनते हैं इन्हीं के शब्दों में इनकी बात जो इनके साथ हुआ और फिर बीच में इनको कोरोना भी हुआ, सब कुछ हुआ, वो सब कुछ बताएंगे अपनी कहानी। तो सुधीर जी नमस्कार। हाँ नमस्कार सर जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले कब और कैसे एवियन हुआ था आपको? सर मेरे को दो अढ़ाई साल हो गया एवियन का समस्या से। मैं पहला ऐसा ही बैठा था हॉल में, तो अचानक से मेरा राइट साइड का पैर बहुत दर्द करने लगा। अच्छा। तो मैं डॉक्टर के पास गया पहला सांगली में, मेरठ सांगली में जी एस कुलकर्णी करके है, उधर जाके उन लोगों ने मेरी एक दो दिन की ट्रीटमेंट की। उसके बाद में मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था, वापस एमआरआई करा दिया। एमआरआई करने के बाद वो लोग बोले कि आपको एवियन का प्रॉब्लम है, एवियन का प्रॉब्लम है। उसके बाद मैंने वो बोले देखेंगे ट्रीटमेंट करके, लेकिन ऑपरेशन तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद मैं लीलावती में गया, लीलावती में ट्रीटमेंट चालू थी बम्बई में, उधर भी एक साल तक ट्रीटमेंट चालू था, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। बाद में ऐसा छोटा मोटा जो कोई बोलेगा उधर मैं भागता था, मेरे दोस्त बोलेंगे चलो इधर अच्छे है उधर अच्छे है, अच्छा वजह उधर मैं जाता था। वापस मैं कोकिलाबेन में गया, कोकिलाबेन में मेरी ट्रीटमेंट उनके थी, वो उधर करते करते वो भी वैसा ही पूरा ही ठीक नहीं हो पाया था। मैं बाद में आपका यूट्यूब पे मैंने सर्च मारता रहा था, मैं अभी ऑपरेशन तो करना नहीं है, देखेंगे कुछ नया मिलता है क्या। तो यूट्यूब सर्च करते करते आपका मेरे वो सब वीडियो मिल गया। वीडियो मिलने के बाद मैं वो देखता था, देखने के बाद एक महीना तक आपको ही कुछ फ़ोन भी किया नहीं मैंने। अच्छा। लेकिन एक्सरसाइज आपका वो वीडियो देख के एक्सरसाइज करने के बाद आपको फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद आपने मेरे को मेडिसिन भेज दिया, लेकिन सर मैं मेडिसिन खाने के बाद एक महीने में ना मैं सही 50-60% तो मैं सही चलने मिलने फिरने लायक हो गया था, लेकिन उसके बाद मेरे को फिर वापस कोरोना हो गया। कोरोना इतना डेंजर हो गया था, मैं लास्ट स्टेप पे था कोरोना में। उसके बाद कोरोना होने का भाई तेईस का था, 23 हाँ बहुत कम था उसमें, तो बच गया। उसके बाद आपको वापस फ़ोन किया, आपके हिसाब से मैं तुम्हाला फोन केल्यानंतर मी परत फोन केला, कोरोनातून बाहेर आलो, फोन केला तुम्हाला, केल्यानंतर मग तुम्हाला विचारलं मी कानपूरमध्ये येऊ का पुण्यामध्ये येऊ, तर तुम्ही आप बोले पुणा में मत आओ कानपूर में आओ। तो कानपूर का मैंने प्लान बनाया, मेरे दोस्त हैं शिरके, उनको ही वो प्रॉब्लम है, उनको लेके मैं कानपुर में आया। सर इतना बेटर मेरे को आज लग रहा है, मेरे को कोरोना होने के बाद भी मेरा 4 गेट पे आप ही गया था, लेकिन मेरे को आज ऐसा लग रहा है कि जैसा भगवान मिलता है ना वैसा भगवान की तरफ आप मिले हैं हमें सबको। हमें ने जो जो जिसको एवियन है वो सब पेशेंट को आप भगवान के जैसे मिल गए हैं, बराबर है। तो मैं शायद दूसरे सेटिंग में ना 70-80% तो मैं ठीक होऊंगा ही पक्का, और 2-3 सेटिंग तो करने वाला ही हूँ मैं पक्का पूरा। मेरे को फिर ऑफिस जो सोशल वर्क भी करता हूँ बहुत, मैं मेरा बिजनेस भी है वो संभाल के सोशल वर्क भी करता हूँ, परत मला हे सगळं करायचं आहे, परत जो पहिला होतो तसंच उजगं मला बनवायचं आहे। सर तुम्हाला बनवायचं आहे ते आपको करना है मेरे को ठीक, आप तो करेंगे होऊंगा ही पक्का, बराबर आहे। बस आओ सबको बोलूंगा ऑपरेशन मत करो भाई, देवता समान विजय प्रकाश डॉक्टर मिले हैं उसका सब फायदा उठाओ, और बिना ऑपरेशन की जिंदगी जियो, बिना ऑपरेशन करके कुछ फायदा नहीं है, वो फॉलो करना ही पड़ता है। कारण ते जरी ऑपरेशन केलं तर आपल्याला भरपूर त्याला फॉलो करायला लागणार आहे, सगळं पाळावं लागणार आहे, त्याच्यापेक्षा हे खूप छान आहे बिना ऑपरेशन जर। आणि चांगलं होईल सगळ्यांनी ऑपरेशन करता, तुम्हाला फोन करावा, तुमच्याकडे ट्रीटमेंट करावं आणि सगळ्यांनी रिलीफ मिळावं, बस एवढं बोलतो आणि थांबतो येईल। ओके थँक्यू। तो ये थे मिस्टर सुधीर पलांडे जी, और आपने इनके विचार सुने, काफ़ी कुछ उन्होंने मेरे बारे में कुछ ज़्यादा ही कह दिया। ऐसा कुछ नहीं है, मैं एक साधारण इंसान हूँ और आप सभी लोगों की मदद करना चाहता हूँ।
और जितना हो सकता है कर भी रहा हूँ, और पूरा बैकअप सपोर्ट रहता है। ये ट्रीटमेंट केवल 7 दिन का ही नहीं होता, 7 दिन के बाद भी पेशेंट्स को अपने घर में एक्सरसाइज, डाइट एंड प्रिकॉशंस, सबसे इंपॉर्टेंट है प्रिकॉशन, वो सब चीज़ें फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रिकॉशन अगर नहीं फॉलो करोगे तो ग्रेड बढ़ जाएगा। ठीक है, तो सबसे नंबर वन पर प्रिकॉशंस फॉलो करना है, और बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी समय आप हमको फ़ोन कर सकते हैं। और ये मिस्टर सुदीप पलांडे जी को काफ़ी समस्या हो गई थी, इन्होंने जैसे कि आपको बताया कि काफ़ी हद तक ठीक हो गए थे, मगर ये कोरोना की सेकेंड वेव में इनको फिर से मतलब इनको कोरोना हो गया और स्टेरॉइड देने पड़ गए, और ये बिल्कुल लास्ट स्टेज तक पहुंच गए थे, बस बचे ही हैं कि सिचुएशन बहुत डाउन हो गया था, बट उसमें जो ट्रीटमेंट में जो स्टेरॉइड चलता उसकी वजह से इनके इनका जो है एवियन फिर से ख़राब कंडीशन में हो गया था। तो वही चीज़ हम लोगों ने अब इनको फिर से रिकवर कराई है, और उम्मीद के और उम्मीद भी है और पूरा विश्वास भी है कि ये कोरोना से पहले जैसे थे उतना तो ये हो ही जाएंगे और उससे और बेटर होंगे। आज भी ये अच्छा परसेंटेज में पूछा कितना टका आराम है अभी? सर 40% तो मेरे को आराम है ये पहली सेटिंग में, इतना मेरे फोर ग्रेड का होने के बाद भी मैं 40% तो मैं अभी रिलीफ हूँ। मैं 1 किलोमीटर तो मैं अभी चल पा रहा हूँ, नहीं तो पहला मेरा घर गाड़ी घर बस इतना ही चलता था, इसके आगे मैं चल नहीं, अभी 1.5 किलोमीटर आराम से चल पा रहा हूँ। तो खासतौर से कोरोना से पीड़ित जितने पेशेंट्स हैं उन लोगों को बिल्कुल ध्यान से जो मेरी एक्सरसाइज है उन सबको फॉलो करते रहें, और ज़रूर से ज़रूर एक सिटिंग जरूर करा लें, उसमें काफ़ी उनको इम्प्रूवमेंट हो जाएगा और उनका एवियन काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, हमारे इस चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए जो लोग एवियन से पीड़ित हैं। टिल देन, बाय बाय।